हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा फूल है। जहाँ हमारे इधर ठंड स्टार्ट हो जाती है तो हमें तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। तो आइए कुछ अपने बालकनी के भी फूल मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगी एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका कि आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत ही सुंदर फूल है वो, उसके चटकीले और चमक रंग हमें काफ़ी आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो पहले मैं अपने गार्डन के कुछ फूल आप सभी को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उस फूल के बारे में भी जानकारी दूंगी। वो बहुत ही अच्छे फूल हैं, उसमें कम से कम उसके 2 से 3 वैरायटी आती हैं। तो मैं बताती हूँ वो कौन सा फूल है। तब तक ये देखिए मेरे गार्डन के फूल जो कि अभी खिलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इम्पेशन कितने प्यारे से हैं, और ये पिटूनिया भी खिलने शुरू हो गए हैं। थोड़े थोड़े इम्पेशन 2 कलर के हैं, ये देखिए कितने प्यारे से कलर हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करती हूँ और बताती हूँ मैं इस पौधे के बारे में। ये देखिए कितने सुंदर से इसके कलर हैं, कितने प्यारे से कलर हैं, और ये ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और ये रेड नहीं, ये ऑरेंज है। इसमें 3 कलर आते हैं, ऑरेंज, रेड और येलो। और दोस्तों ये इतना अच्छा पौधा है, इसका आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है, और इसके आयुर्वेद मेडिसिन भी बनते हैं। और इसे हर पार्ट इसका खाने में यूज होता है, और इसका मेडिसिन इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसकी मेडिसिन भी बनती है। तो दोस्तों इस प्लांट का नाम है नस्ट्रेशियम। ये नस्ट्रेशियम का प्लांट है, और इसमें फूल काफ़ी अच्छे आते हैं। ये काफ़ी बड़े पौधे हो जाते हैं। इसमें 3 तरह के पौधे आते हैं, और ये ठंड में ही ये होते हैं। गर्मी आते आते ये सूख जाते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये जहाँ से सूखते हैं वहाँ इसके बीज बन जाते हैं। तो जैसे जैसे ठंड ख़त्म होगी तो इसमें बीज बनेंगे, तो आप इसके बीज को स्टोर करके रख सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में इसे ग्रो करने के लिए। और दोस्तों जहाँ तक कि इसका पत्ता, फूल, ये सभी चीज़ खाने में यूज होते हैं। इसे सलाद के रूप में यूज करते हैं, और ये हमारे मेडिसिन में जैसे कि ये इन्फेक्शन में और यूरिन प्रॉब्लम में ये सभी चीज़ में काम आते हैं। ये फायदा करता है बहुत, सूजन में भी काम आते हैं। पत्तियों को सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ इसकी मिट्टी की बात है तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें पानी अगर रुक जाएंगे तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये पौधे आपके एकदम से सूख जाएंगे। तो इसके मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एकदम, ना तो ये बहुत गीला होना चाहिए, ना ही बहुत ड्राई होना चाहिए। और इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर इसमें आप ज़्यादा कंपोस्ट देंगे तो ये फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां रहेंगी और फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसमें आप कंपोस्ट ज़्यादा ना दें, और इसे धूप में रखें। इसे धूप की ज़रूरत है, पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए इसे भी। इसे सुबह की धूप में रखिए। बहुत तेज़ धूप पड़ने से ये पौधे बर्न होने लगेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो दोस्तों ये खाने में जहाँ यूज होता है तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी कसेलापन लिए हुए होती हैं, पर फूल का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। पर आप मेरे बताए अनुसार इसको बिल्कुल भी ना खाएं। आप पहले इसे सर्च कर लें, उसके बाद ही इसे खाने में यूज करें। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं यूज कीजिए खाने पीने में। और दोस्तों ये फूल आप लगाने के लिए आप इसके बीज से ही इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसके बीज को इकट्ठा कीजिए, जब इसकी फूल सूख जाएंगे तो आप इसके बीज को इकट्ठा करके रखिए। और इसके बीज काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, तो आप इसे बीज को इकट्ठा करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, इसके रंग काफ़ी प्यारे हैं। मैं तो इसे
अभी मैंने एक पौधे खरीद के लाए हैं, मैं इसे दूसरे येलो कलर के भी पौधे खरीद के लाऊंगी। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें कुछ पत्तियां सूख भी, कुछ फूल सूख रहे हैं, तो मैं इसके बीज भी इकट्ठे करके रखूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ, तब तक आप भी अपने गार्डन में इस मेडिसिनल पौधे को ऐड कीजिए और गार्डनिंग एंजॉय कीजिए।